महागठबंधन में सीटों के ऐलान के साथ भूचाल आ गया, भूचाल आने के पीछे की वजह क्या लगती है? भूचाल आने का कोई वजह नहीं है, पूर्व नियोजित है, एक कंस्पिरेसी है और उनकी जो अपनी पहले से नियोजन था वो उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी घटक दल हैं, सब घटक दलों को हम लोगों ने बारी बारी से जिनके जितने हिस्से की सीटें थी उसके बारे में ऐलान कर रखा है। अब सवाल है कि जो ऐलान हमने कर रखा उनके बारे में तो मैंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन चूंकि आ गए थे तो सम्मान करना हमारा दायित्व था। हमने कहा कि जो हमारे खाते में 144 सीटें हैं उसमें हम बिना मर्जी से आते, अपनी मर्जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई बुलाया नहीं गया। नहीं नहीं, कोई नहीं। कुर्सी पर मुकेश सहनी का कागज के बाद आने के बाद सम्मान करना, आने के बाद लगाना है, मेरा दायित्व है ना। ये बताइए कि क्या अब क्या होगा? अब क्या होगा? पूरी मजबूती से महागठबंधन लड़ेगी, पटकनिया देगी, सात समंदर पार करेगी भ्रष्टाचारियों को। शक्ति सिंह कह रहे हैं कि सनोपल्ला मुकेश सहनी की जो पार्टी थी वो बिन बुलाई पार्टी थी और उनको बुलाया नहीं गया था। ऐसे में जहां एक तरफ मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि पीठ में खंजर भोंकने का काम हुआ है, वहाँ अब बात मान सम्मान देने तक की नहीं हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस महागठबंधन में आगे और कुछ होता है या नहीं। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।